मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को जिला शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों के शिलान्यास किए। जनता की मांगों पर मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं भी की। इन सौगातों से इतर यहां एक और बात भी चर्चा में रही। दरअसल मुख्यमंत्री अपने साथ इस सुदूर क्षेत्र के लिए कोविड वैक्सीन की खेप भी लेकर गए थे। डोडरा क्वार में प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह सभी पात्रों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और अब दूसरी डोज देने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में संपूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए 30 नवंबर के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मुख्यमंत्री की इस पहल को अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने साथ शिमला से कोविड वैक्सीन की 2500 डोज लेकर क्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से 7.02 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। विस्तार से आपको बताते हैं, विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। एचपी विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा भी हुई। अगर यहां इस क्षेत्र को सड़क से अगर हम जोड़ दें तो इस क्षेत्र की कायाकल्प अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सेब आपके पास है, फसलें आप पैदा करते हैं, मेहनत करने वाले लोग आप हैं, कायाकल्प हो जाएगी इस इलाके की। और हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखा है, जहां पिछड़ा वो इलाका था, हमने एक काम किया, वहां पर सड़क पहुंचाई और सड़क पहुंचाने के बाद विकास अपने आप वहां पर पहुंचे। वहां स्कूल के भवन बने, हॉस्पिटल के भवन बने, वहां हर क्षेत्र में विकास होता है। और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सबसे पहले डोडरा क्वार के इलाके को सड़क से ठीक तरह से जोड़ने का जो काम करना है उस काम को हम करेंगे। और इसमें यह भी मुझे मालूम पड़ा कि कुछ इलाका जो हमारा जो आसानी से जोड़ा जा सकता, जो उत्तराखंड से होकर के हमारा यहां तक जो सड़क पहुंचती है, और अगर उत्तराखंड की सरकार उसमें सहयोग करे, वहां पर अपने इलाके में शायद 11-12 किलोमीटर सड़क बचती है वहां पर बनने को, अगर वो सड़क वहां पर बन जाए तो उसके बाद हमारे इलाके से सड़क जो है वहां पर उसको जोड़ करके ये रास्ता 12 महीने का आने जाने का आपका हो जाएगा। और इस सुविधा को हम उत्तराखंड की सरकार के साथ भी उठाएंगे, और उत्तराखंड की सरकार के साथ उठाने के बाद वहां पर भी उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर उस सड़क के लिए अगर पैसे की अगर जरूरत रहे तो उसके लिए पैसा दिल्ली से भी लाएंगे, और दिल्ली के बाद अगर हिमाचल सरकार को भी अगर पैसा देना पड़े उनको तो हिमाचल सरकार उनको पैसा दे। अपने डोडरा क्वार दौरे से सीएम जयराम ठाकुर वापस लौटे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी सहयोग किया है, और क्या कुछ कहा जरा सुनिए आप। लगनी शुरू हो चुकी है, पिछले कल जब डोडरा क्वार हम गए तो जो फर्स्ट लॉट के बाद जो है फर्स्ट डोज के बाद दूसरी डोज का जो है टाइम जो है कुछ लोगों का हो रहा है, तो इसलिए लगभग 2500 वैक्सीन डोजेज हम अपने साथ लेकर के गए थे। और हमने भरी सभा में भी सब लोगों से निवेदन किया, आगे कि इस बात के लिए कि वो सेकंड डोज को ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि पहली डोज लगाने के बाद ही काम पूरा हो गया, सेकंड डोज बहुत आवश्यक है। और लोगों ने उसमें सहयोग देने के लिए कहा है और दिया भी है सहयोग। वहाँ पर हमने देखा दूर दराज के इलाके में ये लोग चल करके वैक्सीनेशन तक पहुँचे और वहाँ पर वैक्सीन लगा करके जो अपने आप को जो है कोरोना से निजात पाने के लिए उन्होंने काम किया था। हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार की तरफ से स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने पर फैसला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल खोले जाने को लेकर माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। हम भी ये चाहते हैं कि कोरोना के मामले कम होने चाहिए, और ताकि बच्चे ठीक प्रकार से स्कूल में आकर के और अपनी क्लासरूम में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सके। तो बाकी इस पर कल विस्तृत रूप से चर्चा होगी, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसके उपरांत हम स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दें। देखिए, हम सभी पर भी सोच सकते हैं, अब ये सबके सलाह मशवरा सबसे विचार विमर्श के उपरांत जो है इसका फाइनल निर्णय करेंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में स्कूलों को खोलने पर विचार हो सकता है।
अब शिक्षा विभाग की तरफ से क्या माइक्रो प्लान इसके लिए तैयार किया गया है, दिखाते हैं आपको। सीएम के आदेशों के बाद स्कूलों को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 50% से ज्यादा वाली क्लासों को दो शिफ्टों में बांटा गया है। बच्चे टीचर्स कोरोना संक्रमित होने पर स्कूल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। 7 दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखा जाएगा। तो स्कूलों को खोलने का क्या है सरकार का प्लान, ये आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही कोविड SOP का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बारिश बेहिसाब, पहाड़ों पर सैलाब, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। चंबा, कुल्लू, सिरमौर से लेकर मध्य पर्वतीय और मैदानी इलाकों में जमकर मेघा बरस रहे हैं और इसी बारिश से सड़कें बंद हैं। आज तो पटरी से रेल कार भी उतर गई, न जाने कितनी मुश्किलें हिमाचल वासियों पर आन पड़ी हैं। उधर दूसरे पहलू पर अगर हम गौर करें तो इसी बारिश से लोगों को राहत भी मिली है। गर्मी से लोगों का जीना बेहाल था, उसने मुश्किलों पर विराम लगा दिया। शिमला, अर्की, सोलन, सिरमौर समेत सभी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आई तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बारिश एक तरफ वादियों का मौसम सुहावना बना रही है तो दूसरी तरफ बाढ़, भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया, इस बार प्रदेश में कितनी बारिश हुई है और कहां कम और ज्यादा बारिश हुई है, दिखाएंगे आपको। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। शिमला की बात करें, सिरमौर, सोलन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में बारिश के चलते 9 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, यानी कि 9 लोग इस बारिश की भेंट चढ़ गए। बारिश के कारण कुल 420 से ज़्यादा मौत अब तक हो चुकी हैं। भूस्खलन और बारिश की वजह से 22 सड़कें बंद हैं। 11 सड़कें सिर्फ सिरमौर जिले में बंद है, यानी कि 11 सड़कें तो ऐसी हैं जो सिर्फ सिरमौर जिले में बंद है, यानी कि एक ही जिले में बंद है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां पर 2 सड़कें बंद हैं। मंडी में 5 और कुल्लू में 3 सड़कें बंद हैं। हिमाचल से 30 सितंबर तक मानसून की विदाई होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस बार के पूरे सीजन में 15% कम बारिश हुई है। 3 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि 3 जिले ऐसे प्रदेश के जहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। और सितंबर में लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन में कम बारिश दर्ज की गई है। इस सितंबर कुल्लू में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। ताबड़तोड़ बारिश, फिर भी कम बरसे बादल। कुल्लू में 140% से ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अभी भी जारी है, यानी कि मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है। अब आपको हम प्रदेश भर से अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो दिखाते हैं, जहां बारिश आफत का काम कर रही है और राहत का काम भी करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजधानी शिमला, सोलन की अर्की, सिरमौर जिले से आई तस्वीरें, और सोलन जिले में सुबह करीब 7 बजे पटरी से रेल कार उतर गई, जिसके चलते काफ़ी देर तक शिमला की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित रहीं। बिलासपुर के स्वारघाट की बात करें तो यहाँ की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ धुंध से नज़ारा खूबसूरत दिखा। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शिमला में मौसम हसीन हो गया। सिरमौर की हालांकि बात करें तो यहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ। इसके साथ ही स्वारघाट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिन में अंधेरा छा गया। अर्की में बारिश किस तरीके से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी बारिश और उसके बाद किस तरीके से तबाही का मंजर।
और सोलन की बात करें तो यहां पर ट्रेनें प्रभावित हो गई। वहीं ठियोग में बारिश के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ठियोग में भारी बारिश के बाद ठियोग क्वार्टू सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई और बारिश के चलते सड़क में दरार भी पड़ गई, काफी बड़ा गड्ढा हो गया, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस टाइम हम ठियोग के रही घाट में है, आप देखें तस्वीरें किस तरह की है। यहाँ पर जो है भारी बारिश के कारण लगातार सड़क धंसती जा रही है और इससे पूरी तरह से 6 पंचायतों का संपर्क मार्ग जो है पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लगातार पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते यहाँ पर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हैं। प्रशासन को ये एक साल हो गया है पूरा और किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आज ये बिल्कुल सड़क गुजार पे कि ये हमारा पूरा संपर्क बंद हो जाएगा। शायद आज रात तक कहीं ये पूरा ही रोड नीचे न चल जाए। तो सामने आपको स्लाइड नज़र आ रहा है तो सामने ये भी धंस रहा है नीचे की और ये प्रशासन ने बहुत ही कोताही बरती है। लगातार बारिश के कारण यहाँ पर यह संपर्क देर रात तक कभी भी टूट सकता है जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी होने वाली है और विभाग की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है कि लोग कैसे अपनी सब्जियां जो है मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। और चलिए अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को काफी परेशानी का सामना इससे करना पड़ा। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने स्वारघाट, सोलन और नालागढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बारिश की वजह से जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो गया और सड़कों में गड्ढे यहां पर नजर आ रहे हैं, उसमें पानी भरा भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिससे वाहनों को यानी कि वाहन चालकों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है इन दिनों और इस वजह से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं, कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया और इसीलिए लोग अपने आप को घर में ही कैद किए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा काडर के अधिकारियों को 11% डीए दिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने अखिल भारतीय सेवा काडर के अधिकारियों के डीए भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा काडर के अधिकारियों को डीए 17% से बढ़कर 28% किया गया है और ये डीए अधिकारियों को सितंबर महीने से अक्टूबर के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। इससे पहले 1 जुलाई से 31 अगस्त तक की डीए बकाया जो राशि है वो भी अधिकारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगी। सरकार ने डीए बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अखिल भारतीय सेवा काडर को यह बड़ा तोहफा मिला है। 11% डीए को बढ़ाने की अधिसूचना जारी करी गई है। 17% से 28% डीए को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर से अधिकारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलने लगेगा। जुलाई से अगस्त तक के डीए राशि भी दी जाएगी, यानी कि जुलाई से अगस्त तक की जो डीए राशि है वो भी इनके खातों में जाएगी, अधिकारियों के जीपीएफ खाते में ये राशि जमा होगी। रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी डीए मिलेगा, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी ये डीए मिलेगा। एनपीए में आने वाले अधिकारियों को भी डीए दिया जाएगा। इसके साथ ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस काडर के जो अधिकारी हैं उनको इससे फायदा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, जहां पर आपको बता दें कि सिविल विमान क्षेत्र शिमला पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस बैठक का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से हवाई अड्डों का विस्तारीकरण था। बैठक में शिमला एयरपोर्ट को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई कि शिमला एयरपोर्ट 1987 में बना था और 109 एकड़ जमीन में बना हुआ है। इस बैठक के बाद सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि आने वाले समय में रनवे का 300 मीटर विस्तार किया जाएगा।
विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बड़ोग टनल से ठीक पहले रेल कार पटरी से उतर गई। बारिश के बीच रेल कार के अगले दो पहिए पटरी से उतर गए। हादसे के बाद शिमला की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया, जबकि एक ट्रेन को धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में लोगों को कई असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उनमें सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इस पर नगर निगम कमिश्नर LR वर्मा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। तो सोलन में बारिश का दौर लगातार चल रहा है और कमिश्नर की सोलन वासियों को चेतावनी है। कमिश्नर की ओर से सोलन वासियों को कहा गया है कि पानी में गाद आ सकती है और इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। सोलन में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो पानी है वो खराब हो सकता है और बाकायदा कमिश्नर ने लोगों को इस बारे में चेताया है कि पानी में गाद आ सकती है और इसीलिए आपको चौकन्ना रहना होगा। बिजली विभाग में कुछ ट्रिपिंग आ रही थी, जिस वजह से जल शक्ति विभाग के जो पाइप ब्रस्ट हो रहे थे। क्योंकि हम डिस्पर्सिंग करते हैं, सिर्फ शहर में आवंटन करते हैं और जितना पानी हमें मिलता है उसी हिसाब से हमें आवंटन करना पड़ता है। यदि हमें पूरा पानी मिलता है तो हम रेगुलरली उसको करते हैं, अदरवाइज हमें गैप्स दे के हम लोगों से अपील करते हैं कि आप गैप्स दे के हम कर रहे हैं। और इस तरह से थोड़े दिन में समस्या आई, अब समस्या हमारी बिल्कुल पानी की ठीक हो चुकी है। बारिश लगातार हो रही है, सिल्ट आने की फिर संभावना है, फिर से परेशानी होने की संभावना है। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा वैसे ही हम लोगों को सुचारू रूप से पानी देने की व्यवस्था करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। हादसा गगरेट होशियारपुर हाईवे पर हुआ। बाइक सवार 3 पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक सिविल ड्रेस में थे और नाके पर लगी ड्यूटी देने जा रहे थे। तीनों चौथी IRB के जवान थे जो कुछ दिन पहले ही हिमाचल आए थे। हादसे के बाद से ट्रक का ड्राइवर फरार है और ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब वक्त है फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री के बिलासपुर दौरे पर पूर्व कांग्रेस विधायक बबर ठाकुर ने निशाना साधा है। कहा, धनराशि उपलब्ध होने पर भी नहीं हुआ योजनाओं पर काम शुरू, जल्द से जल्द आदेश देकर कराया जाए काम शुरू। हमीरपुर की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता वर्मा ने साधा सरकार पर निशाना। अनिता वर्मा ने कोविड महामारी में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। नूरपुर कांग्रेस कमेटी महासचिव संदेश जडवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महामंत्री रणवीर सिंह ने निक्का और पूर्व विधायक अजय महाजन पर लगाए आरोपों पर किया पलटवार। राजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस पर वेबिनार का आयोजन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्य अतिथि के रूप में वेबिनार में लिया हिस्सा। राजगढ़ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ग्राम पंचायत कोठिया जाजर में किया जागरूकता शिविर का आयोजन। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने आयुर्वेद पोषण की जानकारी दी। नूरपुर के NRLM में CRP महिलाओं को काम न देने पर महिला ग्राम विकास संयोजक पर लगे आरोप। मंत्री का नाम देकर CRP को दी जा रही धमकी। समाज में आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस और कई विभागों के साथ मिलकर बेहतर कार्यों को अंजाम दे रहे सोलन के होमगार्ड जवान। होमगार्ड कमांडेंट ने बताया कि होमगार्ड की 5 कंपनियों में 500 के करीब जवान शामिल। ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 4th बटालियन के 3 पुलिसकर्मियों को ट्रक ने कुचला। तीनों जवानों की मौके पर मौत। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार।
मंडी में एयरपोर्ट के एक तरफ फैसले के खिलाफ विधायक के घर के बाहर होगा प्रदर्शन। किसान संघर्ष समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री से नहीं दिया जा रहा है मिलने का समय। नाहन में विख्यात मार्ट से टाटा के नकली नमक की खेप हुई बरामद। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, विशेष टीम बुलाकर मौके से भरे 21 खाद्य वस्तुओं के सैंपल। पावंटा साहिब के एक निजी स्कूल ने महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोलकर पेश की एक नई मिसाल। पावंटा SDM विवेक महाजन ने किया उद्घाटन। सोलन में एक निजी क्लब ने किया मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन। सोलन के DC कृतिका कुल्हारी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। मंडी में कोरोना के बढ़ते मामले और मौत के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। खनाड़ गांव में 50 साल की महिला की भी कोरोना से मौत हो गई। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता TV।